नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम विक्रम मस्ताल है। रामानंद सागर जी की जो सेकंड रामायण आई थी उसमें मैंने हनुमान जी का पात्र निभाया है, और आदि पुरुष में जिस तरह के संवादों का उच्चारण किया गया है मैं उसकी भरपूर रूप से हर तरह से उसका विरोध करता हूं। हनुमान जी का जो पात्र है, जिस तरह के शब्दों का उच्चारण किया गया, आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपका इस फिल्म के पीछे उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाना? हमारे जो रामायण है, हमारे पात्र हैं, राम जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, हमारा आस्था का विषय से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, आप कैसा अडॉप्शन कर रहे हैं? आपको कहीं से प्रसंग मिल गए हैं? आपको अगर कोई चीज गलत भी मिली है तो आप अच्छी चीज भी दिखा सकते हैं ना, आप गलत क्यों दिखा रहे हैं? मैं इस आदि पुरुष के लेकर उसके लेखक को ओम राउत जी का विरोध करता हूं और कहता हूं कि आप इस संवादों को हटाएं। आपने जब फिल्म जनता के लिए बनाई है या जनता उसका विरोध कर रही है तो उसे परिवर्तन करने में क्या समस्या है? बिल्कुल आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, आपके जो संवाद हैं, आपने पिक्चर बनाई जनता के लिए, जनता उसका विरोध कर रही है, तो आपको चेंज करने में क्या समस्या है? आपने अपने घर के लिए तो बनाई नहीं है। और रामायण, रामायण के सभी पात्र आस्था का विषय है। क्या समय है, क्या ईगो है आपको? आप कहते हैं कि हमने कहीं इसे सुना है, मैंने उनका इंटरव्यू देख रहा था उनका, मनोज मंत्री सर साहब का, कहीं हमने सुना है, हमने कहीं से उठाया है। अगर आपने कोई गलत चीज सुनी है तो गलत ही दिखाओगे क्या? रामायण है हमारा, तो बिल्कुल उस पर इतिहास है हमारा, प्राचीन काल से चिर काल से उस विषय में सब चीजें क्लियर है, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो? अगर आपने गलत सुना, आप गलत क्यों दिखाएंगे? अच्छा दिखाइए ना आप। और आप इस फिल्म के माध्यम से विश्व में प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम संस्कृति को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कैसी संस्कृति विश्व में दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, कि हमारी संस्कृति ऐसी है? अगर रामायण के हनुमान जी सच में ऐसे होते तो हम आप मंदिर जाते क्या? आप इतनी श्रद्धा रहती क्या हमारी, हमारी आस्था रहती क्या उनसे? क्या दिखाना चाहते हैं आप? कौन है मनोज मुंशी? क्या लिखना चाहते हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी दे दीजिए? तुलसीदास से कहीं अपनी तुलना कर रहे हैं? कौन है आप? चार गाने अपने अच्छे लिखे, उसकी उसकी अच्छी बात है। ओम राउत साहब ने फिल्म लिखी तानाजी, अच्छा काम किया, पर आप अच्छा काम करने का कारण ये नहीं कि आपने 10 आदमी की जान बचा दी तो आप 4 आदमी का आपको मारने का अधिकार मिल जाएगा। क्या चाहते हैं आप? आपका उद्देश्य बहुत गलत है। और कल आपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया कि फिल्म ने 140 करोड़ कमाया, तो आपका उद्देश्य तो क्लियर हो गया कि आपका केवल उद्देश्य और उद्देश्य पैसा कमाना है और झूठी शोहरत कमाना है। संवादों के पीछे आप क्या इंटेंशन मानते हैं? क्या दुष्प्रचार किया जा रहा है रामायण का, किरदार का? बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़। आप सोचिए, अगर हमारे आराध्य हनुमान जी ऐसे होते तो हम आप के हर मंगलवार हर शनिवार मंदिर जाते? हमारे लिए ये बड़ा ही आस्था का विषय। और आप कह रहे हैं इतने फिल्म लोग देखने जा रहे हैं, फिल्म नहीं देखने जा रहे हैं, हमारे आराध्यों को देखने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम को देखने जा रहे हैं, माता सीता को देखने जा रहे हैं, हनुमान जी को देखने जा रहे हैं। जब उनको वहां लगता है, वहां पहुंचता, तभी तो लोग बोल रहे हैं कि डायलॉग ऐसे लिखे हैं, जनता ही तो बोल रही है। और मुझे तो हैरत है इस बात पे कि 5-5 मिनट पे लोग झंडे उठा लेते हैं, लोग विरोध करते हैं, थिएटर चलाते हैं, आज तो शांत क्यों है? डर किस बात का? आज क्या आप इस धर्म का, इस डायलॉग का आप समर्थन करते हैं, इस फिल्म का समर्थन करते हैं? क्यों चुप हैं लोग? क्या भय है आपको? बोलना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि जिन्होंने ठेका उठाया वो बोले, हर जन साधारण को इस विषय पे बोलना ही चाहिए। नहीं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना हिंदू संगठन ने इसके बारे में पीआईएल लगाई हुई है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कल मैं भी बुधनी जहां से मैं हूं वहां से सलकम रोड के पास, वहां पर इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। देखिए, फिल्म के ऐसे डायलॉग है जो हनुमान जी के जितने भी संवाद हैं, वो कहां के बाप और कहां का तेल, मतलब बोलने में भी शर्म आती है मुझे। उन संवादों को आप कैसे सोच सकते हैं? अगर हनुमान जी, हम अपने जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वो कैसे इज्जत करेंगे हमारे देवताओं की? आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, एक कुषड्यंत्र है ये। आप हमारी संस्कृति, आज हमारी फिल्मों को ऑस्कर मिल रहा है, कांतारा की फिल्म आ रही है, बाहुबली जी फिल्म आई, बाहुबली में प्रभास की इज्जत थी, आपने उसको बिल्कुल शर्मसार कर दिया। 600 करोड़ आपको दिए गए, है ना, आपको इतने अच्छे कलाकार दिए गए, प्रभास जैसा एक्टर दिए गए, और आपने क्या दिखा रहे हैं? आप संस्कृति का अपमान कर रहे हैं आप। सर, लेकिन जो प्रभास हैं, जो एक्टिंग जी, कहीं ना कहीं आप उनको भी जिम्मेदार नहीं मानते कि उन्होंने जब ऐसे डायलॉग्स मिले तो उन्होंने क्यों किया? उनकी भी एक, हो सकता है हिंदी के संवाद को लेकर उनको अंडरस्टैंडिंग कम हो, ये मुझे हो सकता है, पर ये जिम्मेदारी निर्देशक की बनती है, लेखक की बनती है, ये पूर्णतः जिम्मेदार है इनके, इसके लिए निर्माता भी जिम्मेदार नहीं है। आपको 600 करोड़ दिए गए कि आप अपनी संस्कृति को दिखाइए, इसका प्रचार प्रसार के। मैंने ये भी सुना कि टी सीरीज के लिए जो फादर को अपने ट्रिब्यूट कर रहे हैं ये फिल्म, तो क्या
आपने तो 600 करोड़ में आग लगा दी। आप अब इस पैसे से संस्कृति का प्रचार कर सकते, एक ऐसा उपन्यास की गणना कर सकते थे जो चिरकाल तक उसको याद रखते कि आप कोई फिल्म बनी थी। आपने क्या दिखा दिया? मैं VFX टेक्निकल उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिर्फ और डायलॉग पे करूंगा, मैं देव देवताओं पे कमेंट करूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं आगे VFX कैसा है, आपके किरदारों ने एक्टिंग कैसी की, वो एक अलग मैटर है, वो जनता का विषय, पर धर्म के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं किसी का इंतजार भी नहीं करूंगा, फला व्यक्ति आएगा तो बोलेगा फला व्यक्ति, मैं उसका इंतजार, मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने हनुमान जी का रोल किया है और मैं इसकी विरोध करता हूं। ये कहीं किसी भी कहा कि हमें क्रिएटिव लिबर्टी मिले, तुलसीदास जी ने भी कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली थी। आप तुलसीदास से अपनी होड़ कर रहे हैं, कौन है आप? आपने चार गाने अच्छे लिख दिए, उन्होंने गाना अच्छा लिखा, मेरी मोबाइल के कॉलर ट्यून का गाना रामजी वाला गाना बजता है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, पर यह अधिकार नहीं कि आप उसके चक्कर में हमारे देव देवताओं को नीचे दिखाएं। आप यही बड़ा ताज्जुब की बात है, जहां बोलना है वहां बोलते नहीं, जहां नहीं बोलना है वहां आप बोल रहे हैं। आपको बोलना चाहिए ना। मुझे पता नहीं ऐसे कैसे लोग बैठे हैं जो जिन्होंने हनुमान जी को स्वरूप में स्वीकार कर लिया, ऐसे संवादों को स्वीकार कर लिया। यही तो है जब आप सनातन की बात करते तो आप इस विषय पर क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप हैं? विक्रम फिल्म के शुरू में गृह मंत्रियों को धन्यवाद दिया गया जी, जी, सहयोग के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी जी, सबसे मिलकर इसका विरोध जताएंगे आप? देखिए, जो भी हो, भले कोई भी हो, सनातन का विरोध करेगा, जिस फिल्म के लिए मुख्य दर्शक बना रहेगा वो सनातन का दुश्मन है। उसके लिए कोई पद पे बैठा हो या कोई हो, मैं सनातन के विरोध में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसका मैं विरोध करता हूं। आपको विरोध करना चाहिए, अगर आप सनातनी मानते हैं, आप अगर धर्म के रक्षक बनते हैं, तो आपको विरोध करना चाहिए। अब नहीं करेंगे कब करेंगे? फिल्म बन जाती है, निकल जाती है, उसके महीनों बाद आप बोलते हैं अरे उस फिल्म का विरोध होना चाहिए था, अब क्यों? अरे अब क्यों मतलब, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मेरा विषय नहीं, मैं कलाकार हूँ, मेरी भावनाएं आहत हुई है, मैं उस विषय पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस पात्र को निभाया है, मैंने उस पात्र की गरिमा को जानता हूँ और बचपन से हम पढ़ रहे हैं। भाई कौन सी माताएं बहनें हैं जो इस तरह के संवादों को चरण करती हैं? और किसी ने गलत बोल भी दिया, हो सकता है किसी कथा को कह रहे हैं, किसी कथाकार ने बोला, हमने यहां से सुना, अरे तो आप गलत क्यों दिखाओगे भाई? अच्छा भी तो है दुनिया में, रामायण में तो हर चीज मर्यादा में है, हर चीज डिसिप्लिन में है, और आप क्या दिखा रहे हो? आप मजाक कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि जहां 40 करोड़ के आसपास भारत में कमाया और बाहर इतना पैसा, तो बाहर इतना इतनी जनता ने आपकी फिल्म देखी तो हमारी संस्कृति की इज्जत करेंगे वो लोग? मजाक उड़ाएंगे, हमें ऑस्कर मिला, आपको जरूरत क्या है? ऐसे शब्दों को लिखकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? कोई इन्हीं चीजों में आपको क्रिएटिविटी दिखानी है क्या? आपको कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जैसे आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा कि हनुमान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं, हनुमान जी का पात्र करने वाले करेंगे, हो सकता है वो टेक्निकल, मैं हनुमान जी बिल्कुल नहीं हूं, मैंने हनुमान जी का रोल निभाया है और हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, मैं उनको मानता हूं, इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूं। तो क्या फिल्म में भी ऐसी टेक्निकल त्रुटि हो सकता है? पर एक व्यक्ति से एक टेक्निकल त्रुटि जो आपने बोला वो हो सकती है, पर इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है। अच्छा, त्रुटि हो गई, उसके बाद भी लोग नहीं बोल रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर आपका जो मनोज मंत्री सर साहब जो भी राइटर है उसको इतना घमंड है कि हमने तो कोई गलत किया नहीं, हमने जानबूझकर ये किया है, जानबूझकर ये बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हम हनुमान जी कैसे करेंगे वो इज्जत, वो इतनी सिस्टम है भाई, वहां गलती नहीं हो सकती। मैं तो 20 साल उस इंडस्ट्री में काम, कैसे गलती कर दोगे? पूरी टीम है, एक एक चीज को फाइनल किया जाता है, उसके बाद सेंसर होती है फिल्म, उसका ट्रायल्स होते हैं, सेंसर देखते हैं, उसके बाद अब तो सिनेमाघरों में भी आ गई, तब भी कोई नहीं बोल रहा है, तब भी गलती हो गई, स्वीकार करिए ना गलती हो गई, हमें ये हमारा ये मकसद नहीं था दिखाने का। आप मान भी नहीं रहे कि नहीं, हमने तो जानबूझ के लिखा है ताकि जन सामान्य की सरल भाषा में मिल जाए। सरल भाषा में तो कई जगह गाली गलौज भी चलती, वो भी दिखा देते आप, बस वही एक पर्दा बचा, वो ही बचा है, बच हटा दीजिए उसको भी, क्या जरूरत है उसको रखने की? लेकिन मनोज, ये संवाद लिखने के पहले वो जूते उतारे? अरे आपने जूते उतारे, पूजा करी, हनुमान जी की आराधना करी, उससे ये अधिकार थोड़ी मिल गया आपको कि आप हमारे देवी देवताओं का अपमान कर लें? ये अधिकार देता है क्या धर्म? धर्म से बड़ा थोड़ी फिल्म है, और आपकी फिल्म जो देखने भी जा रहे हैं धार्मिक लोग, आस्था के विषय में जा रहे हैं, कोई आपकी फिल्म देखने नहीं जा रहा वहां पर।